अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्जु काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है डॉक्टर मुक्तदिर खान साहब ने, बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच अर्जू जी। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम और नमस्कारम, और सबको मुबारकबाद। विराट कोहली की 3.5 साल के बाद सेंचुरी आ गई। बिल्कुल सही। और सर आज हम बात करेंगे ईरान और सऊदी अरब की, और सुनने में आया है जैसे कि न्यूज़ है कि चाइना ने इन दोनों के बीच में दोस्ती कराई, एम्बेसीज भी खुलने जा रही हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस चेंज को? आई थिंक दिस कैन बिकम ए ग्लोबल ग्लोबल गेम चेंजर, लेकिन लेट अस नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स कि ये एकदम के बहुत तब्दीली आ गई, सब पीस आ गया मिडल ईस्ट में। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो है, इसका आप जाके आए आज इंडियन एम्बेसी, इसका मतलब ये नहीं कि टेंशन नहीं है दोनों मुल्कों में। सो डिप्लोमेटिक रिलेशंस आर नॉट एन इंडिकेशन के सारे जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो गए हैं। जिन चीज़ों का डर था, इनसिक्योरिटीज है मिडल ईस्ट को, खासतौर से ईरान के प्रॉक्सीज को लेकर, तो वो अभी भी है। तो जब वो प्रॉक्सीज सऊदी टारगेट्स वगैरह को अटैक करना ख़त्म कर देंगे, या एक ऐसा दौर आ जाएगा पीरियड वेयर देर आर नो अटैक्स, नो थ्रेट्स, तो जब जेन्युइन पीस आने लगेगी। बट दिस इज़ अ गुड फर्स्ट स्टेप जहाँ तक ईरान और सऊदी अरेबिया का सवाल है। तो ये दो तीन चीज़ों में ये फर्स्ट स्टेप है। एक फर्स्ट स्टेप ये है कि मिडल ईस्ट में ये एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, पिछले 5-10 साल में अमेरिका और इज़राइल ने मिलकर मिडल ईस्ट का जो फंडामेंटल जियो पोलिटिकल ओरिएंटेशन था उसको बदल दिया। 1940 से अभी तक द मिडल ईस्ट वॉज अरब्स वर्सेस इज़राइल, ये एक्सिस पे वो डिवाइडेड था, लेकिन पिछले 5-10 साल में इसको बदल कर इन्होंने अरब्स एंड इज़राइलीज वर्सेस ईरानियंस कर दिया। यानी जो यहूदी और मुसलमानों के बीच में जो टेंशन था उसको सेक्टेरियन बदल कर शिया सुन्नी का मसला बना दिया। दे मेड दैट द बिगेस्ट डिवाइडिंग लाइन, और उसमें कुछ हद तक सऊदी अरेबिया की शॉर्ट साइटेडनेस भी थी और कुछ हद तक ईरान की हिमाकतें भी शामिल थी। ईरान वाज ट्राइंग टू हर्ट द यूएस एंड इजराइल, और उसके बजाय वो उसके प्रॉक्सीज को हर्ट कर रहा था, विच वर अरब कंट्रीज, जिनसे दुश्मनी बढ़ गई। और उससे भी ये जो शिया रिवाइवल के जो बातें होने लगी, और ईरान जो एग्रेसिव हो गया था ख़ासतौर से हिजबुल्ला को लेकर लेबनान में, और इराक जैसे कि ईरान के अंडर आ गया है, तो जो शिया एडवोकेट्स हैं, मिसाल के तौर पे वली नसर फॉर एग्जांपल वाशिंगटन डीसी में, वो भी उन्होंने किताब लिखी द शिया रिवाइवल, और उसके बाद से दे स्टार्टेड एक्टिंग ऐसा जैसा कि ईरान इज़ द हेजेमन ऑफ द मिडल ईस्ट, ईरानियन हेजेमनी की बात करनी शुरू कर दी। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स रिजॉल्विंग दैट इशू, कि अगर ईरान और अरबों के बीच में एक किस्म से रैपरोशमा हो जाता है तो द अरब्स डोंट हैव टू अबैंडन द पैलेस्टीनियन कॉज इज़राइल। तो ये जो इज़राइल का पीछा कर रहे थे ताकि वो ईरान से बचाए उनको, आजकल ऐसा है कि मुस्लिम मुल्क आप खुद अपने टांगों पे नहीं खड़े हो सकते, उनको किसी की मदद चाहिए होती है, चाइना की मदद या रशिया की मदद या अमेरिका की मदद। तो ये इसराइल के सपोर्ट के लिए जो दौड़ रहे थे अरब मुल्क ईरान से डर कर, वो उसमें वो फलस्तीनी मसाइल, फलस्तीनी कॉज को बिल्कुल रवा दवा कर दिया, अबैंडन इट पूरी तरह से। तो मुझे लगता है कि अब दोबारा सऊदी अरेबिया कैन डिमांड के अगर सऊदी अरेबिया के साथ इज़राइल वांट्स टू नॉर्मलाइज रिलेशंस, देन इट विल हैव टू पे अटेंशन टू द पैलेस्टीनियन इशू, क्योंकि उसको ईरान से उतना डर नहीं है। तो वो एक कदम है उस तरफ। दूसरा मसला है जहाँ पे पहला कदम ये है कि दो नैरेटिव्स चल रहे हैं मिडल ईस्ट में के ताल्लुक से, जो अभी ज़रा और मजबूत हो गए हैं। एक ये कि अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है मिडल ईस्ट में, अमेरिका का जो फुटप्रिंट है मिडल ईस्ट में, वो थोड़ा कम हो रहा है। अमेरिका इज़ विदड्रॉइंग। लीबिया के मसले पर ओबामा ने कहा था वी विल लीड फ्रॉम बिहाइंड, बस हम पीछे बैठ के चलाएंगे। तो वो लीड फ्रॉम बिहाइंड वाला मेटाफर था कि वी आर गोइंग टू टेक लेस एक्टिव रोल इन द मिडल ईस्ट, वी विल अलाउ अदर्स। तो एक किस्म से कह रहे थे कि एक
पावर वैक्यूम क्रिएट हो जा रहा था मिडल ईस्ट में, जिसको तो ये आर्ग्यूमेंट है कि अमेरिका इज लेस इन्वॉल्व इन द मिडल ईस्ट, वो ज्यादा मजबूत हो गई है. और दूसरी चीज ये है कि चाइना इज प्लेइंग अ बिगर रोल इन द मिडल ईस्ट, वो आर्ग्यूमेंट भी अब ज्यादा मजबूत होगी. बिकॉज एक तो हमने देखा जी जी पिंग का जो इस्तकबाल हुआ गया था रियाद में, चंद हफ्ते पहले की बात है, जब जी जी पिंग ने जो ट्रिप की सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया ने भी मिला, गल्फ कंट्रीज ने भी मिला, सारे अरब मुल्क लीडर्स, इट वाज लाइक थ्री समिट्स इन थ्री डेज. तो वो जो इस्तकबालिया हुआ है जी जी पिंग का इन द मिडल ईस्ट, तो उसमें आप कह सकते हैं ये एक बहुत बड़ा पहला कदम है चाइना की ग्रोइंग हेजेमोनिक इन्फ्लुएंस इन द मिडल ईस्ट. और तीसरी चीज ये है कि मुझे लगता है कि सऊदी अरेबिया के पर निकलने लगे कि अमेरिका ने पिछले 5-6 साल में जो सऊदी अरेबिया को इल ट्रीट किया, ओबामा के जमाने से दे हैव बीन ट्रीटिंग इट बैडली. ट्रंप का एक दौर था वे सऊदी अरेबिया वाज ट्रीटेड वेल, बट लेकिन ओबामा ने भी उसको ठीक ठाक ट्रीट नहीं किया, इस हद तक कि सऊदी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने वाशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल भी लिखा था कि एक पागल हो गया ओबामा कहकर. एंड सो दैट वाज वन. फिर बाइडन ने कहा कि मैं सऊदी अरेबिया को एक पराया स्टेट बना दूंगा. तो उसमें क्या हुआ, अमेरिका ने अपनी ऑयल डिपेंडेंसी जो मिडल ईस्ट की थी वो पूरी तकरीबन काफ़ी रिड्यूस हो गई. वी डोंट गेट मच ऑयल फ्रॉम सऊदीज, और सऊदी के साथ ट्रेड भी इतना डिमिनिश हो गया है कि एक किस्म से सऊदी इंडिपेंडेंस मिल गया है सऊदी अरेबिया को, एक आज़ादी बन गई है कि डिपेंडेंट नहीं है वो सऊदी अरेबिया. और फिर अब जब वो सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकते तो पूरी की पूरी आज़ादी मिल गई उनके, एंड उस आज़ादी का फ़ायदा उठाकर वो रशिया से भी ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, चाइना से भी ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, अब ईरान से भी ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं. तो सऊदी अरेबिया इज सेइंग के भाई मैं हो गया हूँ वो क्या कहते हैं यतीम, तो अब मैं जो भी अंकल मुझे हेल्प करेंगे मैं उनके साथ हो जाऊंगा. सो दैट इज द सऊदी पॉलिसी. लेकिन सऊदी अरेबिया इज थिंकिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ अमेरिका एंड इज थिंकिंग ऑफ द वर्ल्ड एज मोर देन अमेरिका, ये साफ जाहिर है. लेकिन सर ये एक आर्टिफिशियल तरीके से तो नहीं आपको लग रहा कि ये लोग जो है आपस में बात कर रहे हैं या आए हैं, क्योंकि कभी देखा नहीं गया कि ईरान और सऊदी अरब जो है, बल्कि पाकिस्तान भी इसी मुश्किल में रहते थे कि वो ईरान से बात करें कि ना करें, कि सऊदी अरब ना नाराज हो जाए. तो एक कोई आर्टिफिशियल तरीके से आपको लगता है कि दोनों की बातचीत करवाई गई है, और क्या ये ज्यादा देर चल पाएगी या एक बार फिर उसी तरह से क्लैश नजर आएगा, क्योंकि शिया सुन्नी वाले फैक्टर तो निकलेगा नहीं दोनों के पास से. देखिए पाकिस्तान हैड मेनी रीजंस टू प्ले एन एक्टिव रोल इन दिस, मतलब दे कुड हैव बिकम चाइनाज़ असिस्टेंट, चाय वाय लेके आ सकते थे, समोसा तो लेके आ सकते थे राइट फॉर द मीटिंग. दूसरी चीज ये है कि जो शिया सुन्नी जो प्रॉक्सी फाइट्स हुए उसके सबसे बड़े कैजुअल्टी आप हैं, आपके सड़कों पे हुई है जंग, टारगेटेड किलिंग्स लेने सिपे सहाबा इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन आपके मुल्क में. हालांकि सऊदी अरेबिया का 20% पॉपुलेशन शिया है, लेकिन ऐसे कोई वाकयात वहाँ पे नहीं हुए सिवाय वो जो 1980s में जो हज के दौरान हुआ था, उसके बाद से ऐसा कोई मेजर इवेंट नहीं हुआ. सो पाकिस्तान हैड अ लॉट ऑफ रीजंस टू ना सिर्फ सऊदी ईरान के बीच में ताल्लुकात बेहतर करें, बट सेक्टेरियन लेवल पे शिया सुन्नी के ताल्लुकात बेहतर करने में पाकिस्तान की खुद मफाद थी, बट दे हैव नॉट प्लेड अ रोल इन इट. बट अलबत्ता ये है कि थोड़ा बहुत इन्होंने न्यूट्रल रोल, आपको याद है कि इमरान खान रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन दिस जंग यमन के खिलाफ, तो वो दैट वॉज ए न्यूट्रल मूव. फिर उस पर एक सुन्नी नेटो सुन्नी आर्मी की बातचीत छेड़ दिए थे तुर्की को लेकर, याद है आप, तो उसमें भी ज्यादा इनिशिएटिव दूसरे मुल्कों ने नहीं ली. सो ऑल ऑफ दिस वर डिजाइन टू सपोर्ट सऊदी अरेबिया अगेंस्ट ईरान. और उसमें तो अभी जो आपको जो मदद नहीं मिल रही है पाकिस्तान सऊदी अरेबिया से, इट इज क्वाइट पॉसिबल के सऊदीज आर रिमेम्बरिंग कि हमने हमको इन्होंने उन मौकों पर शायद पाकिस्तान हैज नॉट बैक्ड अस. तीसरी चीज ये है कि यू आर राइट कि ये जो है सो इट डजंट मीन कि एम्बेसीज एस्टैब्लिश हो गए तो सारे के सारे मसाइल पूरी तरह से हल हो गए. वो मसाइल तो अभी तक खत्म नहीं हुए पूरी तरह से, बट इट इज अ स्टेप फॉरवर्ड.
आप देखेंगे कि हज में अगर काफी ईरानियन पार्टिसिपेशन होता है तो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड. सऊदीज वीजा इशू करते हैं और वो लोग आते हैं. सो वी कैन सी सम बिगिनिंग्स देयर. लेकिन जियोपॉलिटिकली अगर ये दो मुल्क के बीच में एक किस्म की पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, जिस तरह से जर्मनी और फ्रांस के बीच में आ गए इन यूरोप, अगर जर्मनी और फ्रांस के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं आती तो अब भी यूरोप वुड हैव बीन एट अ वॉर. वो जो खत्म हुआ है यूरोपियन वॉर्स बिकॉज ऑफ जर्मनी एंड फ्रांस की जो एक किस्म से परमानेंट रेप्रोशमा आ गया है. यानी कि दे आर ग्रेट फ्रेंड्स बट दे आर द डोमिनेंट प्लेयर्स इन ईयू. तो मुझे लगता है कि सऊदी अरेबिया और ईरान का अगर उस ताल्लुकात हो तो ईरान के लिए भी बहुत बेहतर है. ईरान का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है. इट इज नॉट एबल टू रियलाइज इट्स इकोनॉमिक एंड कल्चरल पोटेंशियल. दबा हुआ है मुल्क. इट विल लाइक फ्लावर इफ इट इज गेट्स आउट ऑफ इट्स बॉक्स. मगर सर जर्मनी और फ्रांस के आपने एग्जांपल दी सर, वो सिविलाइज्ड कंट्रीज हैं, हम इधर ये अरब कंट्री और ईरान. सर मुझे तो मुझे लग रहा है मौलवी कोई मार देगा मुझे, लेकिन ये के मुझे तो इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है. ये इनको आप कैसे जर्मनी और फ्रांस से सर कंपेयर कर सकते हैं सिविलाइज्ड कंट्रीज से, इन लोगों को चाहे वो सऊदी अरब हो या चाहे वो ईरान हो, दोनों जगह की हालत हमें पता है और किस तरह से वो अपने सिटीजंस के साथ रहते हैं और क्या कुछ करते हैं. तो अभी थोड़ा सा जो है एमबीएस के आने से थोड़ा सा चेंज हमें दिखाई दे रहा है, अदरवाइज हमने कौन सी जहालत है जो हमने सऊदी अरब को करते हुए नहीं देखा. तो इसलिए आई एम सॉरी लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही थी. नहीं, सऊदी अरेबिया जर्मनी के वॉर क्राइम्स सब बहुत हुए. जर्मनी ने होलोकॉस्ट किया. काय का सिविलाइज मुल्क है दुनिया की तारीख में, इंसान की तारीख में इससे बड़ा क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किसी मुल्क ने नहीं किया जो ये जर्मन्स ने किए थे. और फ्रांस ने भी इंडिया में भी बहुत धूम मचाई है, बहुत अब्यूज़ किए हैं उन्होंने, कॉलोनाइज किए हैं, कई मुल्क को लूटा है 100-200 साल. ना ईरान ने ये किया है सऊदी अरब. मॉडर्न सेंस में दे आर बैकवर्ड हैं, नो डाउट अबाउट इट. लेकिन ईरान इज़ कल्चरली वेरी रिच. ईरान की हिमाकत ये हुई कि ये मुल्लाओं ने उसको कैप्चर कर लिया 79 में. और मुल्लाओं का ना, मैं लोगों को मजाक से कहता हूं कि मुसलमानों का जो अकल है वो जूते में है. तो हम जब मस्जिद जाते हैं जूते बाहर रख देते हैं, फिर मस्जिद के अंदर चले जाते हैं और बगैर अकल के डिसीशंस लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अकल तो हमारी जूतों में हो और वो बाहर. सो द थिंग इज कि जब से ईरान आया, ये जो सलमान रश्दी का मसला लेकर इन्होंने इतना बड़ा मसला कर लिया कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हर साल सैंक्शंस नुकसान. कैन यू इमेजिन अगर आप 1980s में ले लेते और ईरान रेवोल्यूशन के बावजूद डिड नॉट ट्राई टू पुश इट्स रेवोल्यूशन इन द रीजन, यानी इराक में, इमीडिएटली इराक में इधर उधर गड़बड़ शुरू ना करते. सो एंड दे हैड बिकम लाइक, तो वो ताइवान या साउथ कोरिया से भी बड़े, यू नो, पोटेंशियली इट वुड हैव बीन इन द टॉप 5 or 6 ग्लोबल इकोनॉमीज. मैं आपके दावे से कह सकता हूँ अभी भी ईरान इज इन द टॉप 15. अगर आप जो लेटेस्ट उसके GDP देखें, इट्स अ बिग कंट्री, 85 मिलियन का पॉपुलेशन है, बहुत रिसोर्सेस है, गैस में तो बहुत ही ज्यादा है, नेचुरल गैस में, और टैलेंटेड पॉपुलेशन है, बहुत ही टैलेंटेड पॉपुलेशन. उनके पास एक मैथ एग्जाम होता है हर साल. हमारी यूनिवर्सिटी तो उनके चैंपियंस को बुला लेती है यहाँ पर, फिर वो यहाँ पर आते हैं, फिर यहाँ पर PhD करते हैं, फिर यहीं भी पढ़ाते हैं. तो मैं फोर्थ फ्लोर, मेरा ऑफिस फोर्थ फ्लोर पर है, आधा पॉलिटिकल साइंस है, आधा कंप्यूटर साइंस है, और कंप्यूटर साइंस ईरानियंस और इंडियंस से भरा हुआ है. सो बिकॉज वी आर गेटिंग देयर टैलेंट एंड दे आर स्टेइंग हियर. सो इट्स ए वेरी टैलेंटेड कंट्री. और आई थिंक के मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो खुदा के लिए लड़ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता. व्हाई डज खुदा नीड अस? हम कुछ भी नहीं है खुदा के सामने. खुदा, अल्लाह ताला दुनिया को बना लिया, हमारी क्या जरूरत है उसको. तो ये जो आइडियोलॉजी बना के बैठ जाते हैं कि वी आर पुशिंग दिस फॉर इस्लाम, ये वो, खुद ही के नुकसान कर लेते हैं. बेसिकली क्या होता है, ये जब भी इस्लामिक रेवोल्यूशन आता है एक अल्टरनेट एलीट को पावर मिल जाता है, फिर वो अपना पावर नहीं छोड़ना चाहते. तो सो दे कंटिन्यू विद दिस पॉलिसी. रही जो रिजीम चेंज की जो बात करते हैं ईरान में, अगर रिजीम चौथा होता तो मुल्लास तो वापस घर चले जाएंगे ना, ये अपने मदरसों में सेमिनरीज में पहुंच जाएंगे वापस. दे विल बी आउट ऑफ द मिनिस्ट्रीज जहां पे वो पैसे भी कमाते हैं, करप्शन भी चलता है, लूटमार भी करते हैं.
सो आई थिंक दीज कंट्रीज हैव नॉट बेनिफिटेड एट ऑल. आप जहां जहां भी इस्लाम का नारा लगाया ना, वो सारे के सारे मुल्क डूब गए. फलस्तीन में देख लें आप, वेस्ट बैंक और गाजा में फर्क, जहाँ हमास की हुकूमत है वहाँ 600-800 पर कैपिटा है, और ना के वो जंग जीत रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं. और वेस्ट बैंक में देख लें आप, वो भी ऑक्यूपेशन के अंडर हैं, बट दे आर लिविंग अंडर बेटर सर्कमस्टांसेस इकोनॉमिकली. एटलीस्ट खाने पीने को तो ज्यादा बेहतर है. अगर आप पाकिस्तान को देखें, सूडान को देख लें, ईरान को देख लें, ये जहां जहां इन्होंने ये जो मजहब को ठोसा है दूसरों को स्टेट के बना, ऐसा कोई प्रॉस्परस ग्लोबल पावर ये वो कुछ भी नहीं बना. और ये अक्ल इनको कब आएगी समझ में नहीं आता. मैं देखता हूँ यहाँ भी अमेरिका में पढ़े लिखे मुसलमान तालिबान की तारीफ करते, जैसा कि सही शरीयत आगे जाए वहां रही है. आप अपनी उनकी बीवी बच्चे उनको छोड़ देंगे यहाँ पे रहने के बाद. क्या लगता है आपको कि यहाँ पे मुस्लिम औरतें अमेरिका में जॉब्स करती हैं, गाड़ियां चलाती हैं, कंपनीज चलाती हैं, फिर वो जाके तालिबान के पास रहेंगे वहां पे, जहाँ पे बच्चों को पढ़ने भी नहीं दिया जाता औरतों को. सो यू आर राइट टू सम एक्सटेंट कि ये मुल्कों ने मतलब दे हैव डन मोर हार्म टू देमसेल्फ. अब देखना लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, बट सवाल यही होता है ना कि कैन यू लिबरलाइज विदाउट डेमोक्रेसी. एमबीएस कहां तक जाएंगे? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉनार्की लाएंगे सऊदी अरेबिया में जैसा जॉर्डन में है? विल दे हैव अ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस फॉर द पार्लियामेंट? अगर ये सब नहीं करेंगे तो फिर क्या, बस वही थोड़े बहुत कॉन्सर्ट करा लेंगे, सलमान खान को बुलाएंगे, इनको बुलाएंगे, फुटबॉल का मैच, हॉकी, अभी गोल्फ कर रहे हैं, फिर वो रेस. मगर सर वही कहा जाता है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात है कि कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो लोगों को सांस लेने की जो है वो जगह दे रहे हैं, कुछ तो स्पेस दे रहे हैं कि अदरवाइज तो ना वहां पे कोई फीमेल ड्राइव कर सकती थी और ना ही. तो ऐसे ऐसा करके हो सकता है आगे कुछ चीजें हम और भी बदलते हुए देखें. बहुत कुछ ऐसा हो रहा है इस 2-3 साल में जो शायद पहले हम लोगों ने नहीं देखा. अगर पाकिस्तान को ही देख लें तो जिस तरह से आर्मी को कहा जा रहा है, आर्मी के जो जनरल है उनकी बात की जा रही है, नाम लेके बात की जा रही है, वो हमने तो कभी नहीं देखा कैसा हुआ है. लेकिन कहीं ना कहीं एक चेंज आया है. मगर सर ये लास्ट में मुझे बताइएगा कि अगर ये दोनों कंट्रीज में एम्बेसीज खुल जाती हैं, अमन हो जाता है, आपस में इनकी बातचीत हो जाए, बाकी दुनिया को उससे क्या फर्क पड़ेगा और चाइना का क्या इंटरेस्ट हो सकता है कि वो इनकी बात करवा रहा है? इट डिपेंड्स हाउ अमेरिका रेस्पॉन्ड्स. अगर अमेरिका कोशिश करता है कि इनके बीच में गड़बड़ हो जाए, अगर अमेरिका प्लेज डर्टी गेम्स टू डू, देन हो सकता है कि इन ऑर्डर टू मेंटेन देन रिलेशनशिप वो अमेरिका आइसोलेट हो जाए. विल सी इज दे सर्वाइव. लेकिन अगर ये जो है सो ट्रेड करते हैं, आइसोलेशन ईरान का खत्म होने लगता है, तो यू कैन अंडरस्टैंड के द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी हिम्मत आ जाएगी ना, क्योंकि अमेरिका सऊदी अरेबिया पे सैंक्शंस नहीं लगाएगा. लगाएगा तो यूरोप का बहुत नुकसान होगा, राइट? सो दे आर नॉट गोइंग टू डू दैट. सो सऊदी अरेबिया विल, इफ सऊदी अरेबिया स्टार्ट्स हैविंग रिलेशंस विद ईरान, मेरे ख्याल से इंडिया भी आगे बढ़कर विल ट्राई टू रेस्टोर रिलेशंस विद ईरान. ईरान ऑलरेडी SCO का मेंबर बन गया है. आपके जस्टिस साहब नहीं आए इंडिया, लेकिन ईरान के तो आ गए. सो ईरान इज नाउ पार्टिसिपेटिंग इन ग्लोबल इवेंट्स. ये सही है कि वो ऐसा इवेंट है जहां पे वेस्ट नहीं है, बट दैट इज फाइन. द रेस्ट हैज बिकम एज बिग एज द वेस्ट जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज में. और फिर अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट ग्रोथ हो रहा है, और अमेरिका अफ्रीका को यूजुअली इग्नोर करता है, तो अफ्रीका जैसी जगहों पर भी ईरान कैन यू नो हैव गुड रिलेशंस. तो मुझे लगता है कि वंस दिस इमेज खत्म हो जाता है ईरान एज अ पराया स्टेट, एंड अगर आप अपने ही महल्ले में, अपने ही रीजन में सारे मुल्क आपसे परेशान हैं, तो देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल बी वेरी हेजिटेंट टू एंगेज विथ यू. लेकिन अगर सऊदी अरब आगे बढ़ता है तो दूसरे मुल्क भी विल हैव पॉजिटिव रिलेशंस ना. गल्फ तो विल मूव फॉरवर्ड. मेरे ख्याल से द की विल बी टू सी के UAE कैसा रिलेट करता है या नहीं करता विथ ईरान. बट मुझे लगता है कि यू विल सी पॉजिटिव रिलेशंस विद अदर पार्ट्स ऑफ लेबनान, मोरक्को, जॉर्डन वगैरह विल हैव मच बेटर रिलेशंस विद ईरान नाउ इफ सऊदी अरेबिया हैज बेटर रिलेशंस. सो इट्स ए स्लो मूविंग चीज है ये. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट. चीजें नहीं होनी बिकॉज अल्टीमेटली द सऊदीज विल नीड टू बी फुली रियश्योर्ड कि ईरान का पॉलिटिकल बिहेवियर में बदलाव आ गया है.
2019 या 18 में इन्होंने सऊदी रिफाइनरीज पे डायरेक्ट अटैक कर दिया था ईरान ने, ड्रोन से और मिसाइल से, वो जो घबरा गया था सऊदी अरेबिया जब. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उसका डिफेंस बजट इतना पड़ गया है, इट इज इन द टॉप 5 आई थिंक नाउ डिफेंस स्पेंडिंग में, और अग्रेसिव भी हो गया है. ईरान ईरानियन ऑपोजिशन वगैरह को पैसे भी देने लग गया है, तो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशनल चीज है. फिर यमन में तो हो गई, इनके ही बीच में जंग थी ना वो जी. हाँ, तो सो दोस थिंग्स, सो ईरान हैज टू मॉडिफाई इट्स बिहेवियर. ये नहीं कि चाइना के दबाव के अंडर आके इन्होंने ये डील साइन कर ली, फिर अपनी वो पुरानी बदमाशियां अगर वो करते रहे देन उनकी पॉपुलेशन ही सफर होगी. मतलब कैन यू इमेजिन कि आपने 2-3 जनरेशन को सड़ा दिया है. बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही सर. लेकिन आप देखते हैं कि क्या चेंज आता है, और पॉजिटिव चेंज तो जाहिर है हर कोई यही चाहेगा कि कुछ बेहतरी ही आए, चाहे जिस कंट्री की भी हो. लेकिन देखते हैं, क्योंकि अभी तो काफी चीजें जो है वो बदलती भी दिखाई दे रही हैं. पाकिस्तान के बारे में भी मैं आपसे नेक्स्ट टाइम जरूर बात करूंगी कि यहाँ पर जो कुछ इस वक्त हो रहा है, खासतौर पर आर्मी को लेकर, उस पर भी हम बात करेंगे कि ये बदलाव कैसे आ रहा है. बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. Thank you.